सुल्तानपुर में मीडिया पर क्यों भड़की महिला डॉक्टर? मीडिया कवरेज से क्यों हो गई महिला डॉक्टर इरिटेट? सुल्तानपुर के धम्मौर में तारीख 2 अगस्त दिन रविवार साल 2020 को कोरोना जांच के लिए लोगों के सैंपल लिए जा रहे थे। सूचना मिलते ही हमारी टीम मौके पर पहुंची तो देखा वहां कुछ और ही हो रहा था। सैंपल देने के लिए जुटी लोगों की भीड़ जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रही थी। सैंपल लेने के लिए आए कोरोना योद्धा भी अपना कोरम पूरा करने में जुटे हुए थे। काफी देर तक यही सिलसिला चलता रहा। हमारी टीम भी भीड़ का हिस्सा बनने से डर रही थी। फिर अंत में लोकहित को देखते हुए वह भी पहुंची। मौजूद डॉक्टरों और व्यवस्थापकों से आग्रह किया कि शोर ध्यान देने का कष्ट करें, लेकिन वहां मौजूद महिला डॉक्टर को मीडिया का ये काम रास नहीं आया और वो मीडिया पर ही भड़क गई। चुपचाप बैठ जाने को कहा। फिर क्या था, हमारी भी समाज सेवा बंद हो गई। कैमरा निकला और हमने भी अपना काम करना शुरू कर दिया। फिर क्या, डॉक्टर साहिबा भूल गई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में लिखी गई अभिव्यक्ति एवं प्रेस स्वतंत्रता की बातें। लगी फटकार लगाने मीडिया को उनकी औकात दिखाने। तो डॉक्टर साहब सुनिए, ना आप मुगले आजम हैं और ना हम अनारकली कि आपकी जी हुजूरी करेंगे। हम भी अपने सवालों पर अटल रहे कि डॉक्टर साहिबा बताइए आपको ये बदतमीजी करने का अधिकार किसने दिया? और जाइए भुगतान करना पड़े तो समझ में आएगा। काम कर रही है तो काम करिए ना। कर ही रहे हैं। बदतमीजी से बात करेंगे लोगों से? वहाँ जाके बैठो, हम कोई बदतमीजी नहीं कर रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं। वीडियो बना रहे हैं। कैमरा बंद करने की धमकी देते हुए डॉक्टर साहिबा ने फोन लगाने शुरू कर दिए। बात ही बात में उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि मुझसे जबरदस्ती ये करवाया जा रहा है। डॉक्टर साहिबा खामोश हुई और घंटों तक चली सैंपलिंग में 100 से अधिक सैंपल लिए गए। कोरोना काल में डॉक्टरों का योगदान वास्तव में सराहनीय है, लेकिन ऐसी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबरों की दुनिया में सच का साथी, तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए ऋषि मी मानसा समाचार को।